नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट में। किसान भाइयों, मेरा नाम है अशोक साहू और आज हम बात करेंगे कि हमारी सोयाबीन जो होती है उसमें आपको पहला स्प्रे कब करना चाहिए। जो कीटनाशक का स्प्रे होता है, खरपतवार नाशक का तो आप कर ही सकते हैं लगभग 20-25 दिन बाद, लेकिन जब हम पहला स्प्रे करते हैं सोयाबीन में कीटनाशक का, तो हमें कब करना चाहिए? क्या हमें अपने जो फसल उसमें इल्लिया नज़र आने के बाद करना चाहिए या फिर लगभग 2 महीने बाद करना चाहिए? तो आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी वैरायटी है ये अज्ञेती वैरायटी है जो कि 95-60 है। तो किसान भाई आप देख सकते हैं लगभग इसकी हाइट काफ़ी हो चुकी है और ये 25 जून की बोवनी है। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो आज हो गई 20 जुलाई, तो लगभग 25 दिन की हमारी ये फसल हो चुकी है। और अगर मैं अभी आपको उसकी स्थिति बताऊं तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है और फिलहाल इसमें आपको कई डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको गौर करके बताऊंगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसके पत्ते कटे हुए मिलेंगे। तो उसमें भी किसान भाई मतलब असमझ की स्थिति में होते हैं कि जो अपनी जो फसल है इसमें अभी फूल और फलियां तो है नहीं, तो हमें उससे क्या नुकसान होगा। तो एक बात बता देता हूँ कि जब से आप बुवाई करते हैं तो आपके फसल में छोटे मोटे कीट और मच्छर जो कि अपनी फसल पर अटैक कर लेते हैं, जो कि आप बारीक बारीक अभी भी मेरे आसपास ही है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फसल को धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे वो इसको पौधा कमज़ोर होने लगता है और जो बाद में अपनी फसल में बीमारियाँ आती है जो उससे लड़ने में ये असक्षम हो जाता है और अपनी फसल का उत्पादन भी कम होता है। तो सबसे बढ़िया अगर आप हल्का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप लगभग 1 महीने 30 दिन या 35 दिन बाद आप कर सकते हैं पहला स्प्रे कीटनाशक का हल्का कर सकते हैं, जिससे अपनी फसल में जो छोटे मोटे कीट पतंगे होती है वो काबू में आ जाएगी, मर जाएगी, तो अपनी फसल को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो और अपना पौधा अच्छा विकसित हो जाएगा और जो छोटी मोटी बीमारियां होती है उससे लड़ने में सक्षम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो किसान भाइयों, अगर अज्ञेती वैरायटी है तो वो भी आप लगभग 35 दिन बाद कर सकते हैं और जो पीछे की वेराइटियाँ हैं उनमें भी आप 30 से 35 दिन के बाद पहला कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो हमारी फसल है उसमें कोई ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो, पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसान भाइयों, अगर आपकी फसल की ग्रोथ कमज़ोर दिख रही है तो आप किसी भी प्रकार का टोनिक का प्रयोग कर सकते हैं। आप खाद का प्रयोग इस समय बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इस समय अपने अगर आप खेत में देखोगे तो कुछ इस प्रकार से छोटे मोटे खरपतवार नज़र आएंगे। तो अगर आप खाद का छिड़काव करेंगे तो डायरेक्ट इन खरपतवार कचराओं इनको लगेगा तो अपनी फसल तो कमजोरी रहेगी और खरपतवार अपने खेत में ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप किसी भी प्रकार टोनिक या फिर अपने जो यूरिया होता है वो पानी में घोल कर छिड़काव करके आप दे सकते हैं। तो यही थी छोटी सी जानकारी। चैनल पर नए हो, पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद, जुड़े रहिए।